अच्छा, तो गांधी जी को हत्या की तो हम लोग तो उस समय रहे नहीं किए। गांधी और गोडसे के जो पिता थे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हत्या की गांधी जी की, वो सही किए थे। जो घोसले जी को मारा था गोली ने, उन्होंने गोली मार के उनको बहुत अच्छा किया था। गांधी जी का तीन बंदर हमको हमेशा याद आते हैं हर जगह। हम आपकी हत्या कर दें तो कोई आदमी कहेगा अच्छी बात है कि जिस बात को आप हमसे कबलवाना चाहते हैं, मैं प्रियंका गांधी नहीं हूँ। गोडसे ने गांधी को मारा होगा, उनका अपना एक रीजन रहा होगा। क्या रीजन? जैसे कि उनको गांधी जी का कोई काम पसंद नहीं आया होगा, वो तो अगर किसी को किसी का काम न पसंद आया तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। गांधी जी का जिक्र आता है फिल वक्त में, बहुत जिक्र आता है जो हमारे राष्ट्रपिता का दर्जा जिन्हें दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर देशभक्त की बात की जाए तो गांधी के साथ है या गोडसे के साथ? अब इस देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अगर गांधी जी पर बहस छिड़ जाती है, आपको क्या लगता है गांधी और गोडसे के राष्ट्रपिता थे इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी ने देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन गांधी जी की कुछ कमियों की बदौलत आज देश सफल कर रहा है। और कमियां आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अत्यंत उदारवादी जो विचारधारा थी उसकी बदौलत देश आज भी सफल कर रहा है। गांधी जी के जिस शख्स ने गांधी जी की हत्या की, नाथूराम गोडसे को, उनको इस समय कुछ लोग उनका महिमा मंडन किया जा रहा है। जो आदमी गलत किया है, नाथूराम गोडसे सुप्रीम कोर्ट का लायर था, पढ़ा लिखा आदमी था, उसको कोई बात उसके दिमाग में पिंचअप की, उसने इतने बड़े महात्मा की हत्या कर दी, उसको सजा मिली। लोग उसको अच्छा तो नहीं कहेंगे, आज भी अच्छा नहीं कहते। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उनका समर्थन करते हैं, उनकी पूजा का समर्थन उसको लोग जो करते हैं गलत करते हैं। हम आपकी हत्या कर दें तो कोई आदमी कहेगा अच्छी बात है? आप अच्छे हों या बुरे हों, आप संवैधानिक प्रक्रिया से आइए, आप लड़िए, जीत जाते हैं तो अच्छी बात है। आपको मतलब जो ये चीज़ें बहस चल रही है, जो गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है, आपको लगता है गलत है? अगर कोई भी चीज़ संविधान के प्रतिकूल होगी तो वो गलत है। गांधी और गोडसे की बहस चलती है, सुनते हैं कभी आप लोग इस बारे में कुछ? कभी नाथूराम गोडसे जिन्होंने हत्या की गांधी जी, कभी इस बहस को सुनते हैं कि इसमें कौन सही था कौन गलत था? भाई गांधी जी को तो सब पूरा देश सही मानता है, लेकिन कुछ राजनीतिक विशेष की व्यवस्था है कि नहीं गोडसे सही थे, लेकिन पूरे नहीं, पूरे देश पूरा मानता है कि गांधी जी हम लोगों के लिए ठीक, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई। आपको लगता है कि गोडसे ने जो हत्या की वो सही नहीं था? नहीं, सही नहीं था भाई। फिल्म बन रही है, उसमें दिखाया गया है कि गोडसे की तरफ से कि मैंने गांधी को क्यों मारा। आप इस तरह की बहसों को सुनते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, ऐसे बहसों को हम सुनते हैं। देखिए, गोडसे ने गांधी को मारा होगा, उनका अपना एक रीज़न रहा होगा। क्या रीज़न? जैसे कि उनको गांधी जी का कोई काम पसंद नहीं आया होगा, वो अगर किसी को किसी का काम ना पसंद आया तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। बहुत सारी रिलेटिव, बहुत सारी कारणें हो सकती हैं, बहुत सारी। पूछ रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि उनको कोई काम नहीं पसंद आया होगा, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर रहते हैं, इतने सारे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी को किसी का कोई बात नहीं, 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 तो हत्या कर देनी चाहिए? नहीं नहीं, हत्या नहीं करनी चाहिए। अब इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है गोडसे और गांधी जी के बारे में, हालांकि जो चीज़ें अभी करेंटली चली उसके बारे में पता है ना। जो मेरा ओपिनियन है, हमने अपना ओपिनियन आपको बता दिया। आपको क्या लगता है गांधी जी कुछ, क्या गांधी जी ठीक थे या कुछ चीज़ों में गलत थे, क्या लगता है आपको? गलत रहे होंगे तभी ना गोडसे जी मारे होंगे, अब उसको हत्या कहे या फिर कुछ और कहें। अच्छा, कुछ लोग गोडसे की पूजा करते हैं, नाथूराम गोडसे की मंदिर बनवा रहे हैं उनका, आपको क्या लगता है ठीक है ये? हाँ, उनके हिसाब से उनका सही होना चाहिए, क्योंकि उनका उनका काम पसंद आया इसलिए उनको पूछते हैं। हमें गांधी जी का काम पसंद आया इसलिए वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपको गांधी जी पसंद आते हैं? हाँ, पसंद आते हैं। हाँ, गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? गांधी जी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ते सुनते हैं? गांधी जी तो हमारे देश के वो थे ना, राष्ट्रपति जी थे। लेकिन अभी कुछ लोग हैं और वो गोडसे को समर्थन करते हैं, गोडसे की पूजा करते हैं, आपको क्या लगता है उनकी, जिन्होंने उनकी हत्या की गांधी जी की, वो सही किए थे? कौन सही किया? जो घोसले जी हमारा था गोली ने, उन्होंने गोली मार के उनको बहुत अच्छा किया था, तो सिस्टम बिगाड़ के चले गए गांधी जी ने। आपको लगता है गोडसे जो ने किया ठीक किया? ठीक किया था। गांधी जी के बारे में जो बोले गुरुदेव, अभी आए थे, उन्हीं हमको थोड़ा सा माइंड देते हैं, वो बहुत सही बात बोलते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम लोग को सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गांधी जी का फिर पुण्यतिथि आएगी, जयंती, मोदी जी एक तरफ मनाते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोग खुलेआम गोडसे का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं गोडसे का मंदिर बनना चाहिए, गांधी जी को गालियाँ दी गई पिछले दिनों एक कार्यक्रम में, आप कैसे देखते हैं इसको? आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने सारी चीज़ें देखी थी। ऐसा है कि कुछ लोग, जो लोग ना समझ है, ना पढ़े हैं, जो अपने माँ बाप का कदर नहीं करते, वो गांधी का कदर क्या करेंगे? उनको तो मालूम नहीं है शिक्षा दीक्षा, या वो अपने माँ बाप का जो बात नहीं मानता, गांधी जी क्या जानेगा? तो गांधी जी के संदर्भ में पढ़ाई गई चीज, पढ़ाई जाने वाली चीज को तो आप लोगों ने राजनीति करके दबा दिया है, असलियत सामने आया नहीं। आज का नौजवान पढ़ेगा क्या?
जो सामने उसको देख रहा है, जो लोग बताएंगे वो मानेगा, जो मानने लायक होगा मानेगा, नहीं मानने लायक नहीं मानेगा। कुछ लोग गांधी जो राष्ट्रपिता हमारे हैं, कुछ लोग लगता है कि गांधी जी सही नहीं थे, गोडसे के साथ वो लोग हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, गांधी जी तो अपने समय में सही रहे, कोई ऐसा बात नहीं है। गांधी जी आज भी पूजे जाते हैं, मोदी जी भी पूजते हैं। मोदी जी तो पूछते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे नेता और बहुत सारे मोदी जी को चाहने वाले लोग गोडसे की पूजा कर रहे हैं, गोडसे का मंदिर बना रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, नाथूराम गोडसे, हाँ, जिन्होंने हत्या की गांधी जी की। अच्छा, तो गांधी जी को हत्या की तो हम लोग तो उस समय रहे नहीं किए, आपको क्या लगता है? लेकिन नहीं, गांधी जी बहुत बढ़िया आदमी रहे और देश के साथ में रहे, हर जनता के सबके साथ में रहे, सबका विकास चाहते रहे। गांधी जी का तीन बंदर हमको हमेशा याद आते हैं हर जगह, क्या करें, गांधी जी का तीन बंदर हमेशा हमको याद आते हैं, क्यों, जीवन कितने दिन का है कोई पता नहीं है, फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने में क्यों शर्म है? करेजा मिलाएंगे तब ना समझ में आएगा कि इधर क्या है उधर क्या है। जय श्री राम, जा रहे हैं।